हिरण भागता है पानी की ओर और मनुष्य को भागना चाहिए संत सद्गुरु की वाणी की। अब हम आपसे पूछे हैं, चाकू खंजर तलवार तीर बंदूक की गोली और वाणी, फिर से समझ लीजिए, चाकू तलवार खंजर गुप्ती तीर बंदूक की गोली और वाणी, इनमें सबसे ज्यादा गहरी चोट कौन करता? जम के बोले चाकू से जो घाव हुआ वो भरा सकता, गोली से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तलवार से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तीर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, खंजर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, और वाणी से जो घाव होता है वो मर के दम तक नहीं भरा। वाणी का घाव मरते दम तक नहीं भराता, आखिरी समय तक भी सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें बचपन में भी अगर चोट करी है, तुमको धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो जब तुम्हारे सामने वो आएगा तब तुमको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा करा। भले अच्छे से मिल रहे हो, अच्छे से जुल रहे हो, सब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी उसकी वाणी का तुम्हें स्मरण आता ही रहेगा। वाणी बड़ी विचित्र, खंजर से तेज चलती है। इसीलिए आप लोगों से हमने बार बार कहा कि हिरण पानी की ओर जाए, तुम गुरु की शिवपुराण की संत की साधु की वाणी की ओर जाए, तुम वाणी की ओर। जब भगवान देवदत्त महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, शिवजी का जब माता पार्वती जी के साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की वाणी पर ही विश्वास किया, वाणी पर भरोसा किया, वाणी पर विश्वास किया। शिव की वाणी का भरोसा बड़ा प्रबल, और जिसने शंकर की वाणी का भरोसा रख रहा है, अभी अभी विधायक महोदय कह रहे थे श्री गोपाल जी टांडा जी कि इन सब का मन है गुरु जी, आप हर वर्ष आओ, ये भी श्री गोपाल जी कह रहे थे। हमारा और तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हो कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है कि हम नहीं है। हमने एक बात अपने जीवन में हमेशा उतारी है, वो आज भी कहता हूँ, में असर होगा घर बैठे बुलाएंगे। आप भगवान शंकर की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जितने इस बाबा की कुटिया में बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर
कल कोई ने एक लेटर भेजा था, उस लेटर में लिख कर भेजा था कि जितने तारा बाबा की कुटिया के अंदर हैं उतने गोविंद जी ने बाहर रोड पे बड़े बड़े माइक लगा रखे हैं, दुकानों के अंदर भी लोग बैठे हैं, दुकानों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जितने रोड पर बैठे हैं, जितने तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ होगा, तुम्हारा विश्वास जब पक्का होगा, और मेरा भोलेनाथ तुम सबकी झोली जब भर देगा तो अगले साल हो सकता है फिर बुला लेगा। विश्वास की दृढ़ता होना। विश्वास की दृढ़ता हो, मालूम पड़े हम इस बार कथा के कर चले जाएं और तुम्हारी झोली खुशियों से ना भरावे तो तुम अगले साल कथा में आओगे? अरे बोलो तो जब नहीं। इसलिए मेरे भोले बाबा से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जितने आए हो इतना भर देना, इतना भर देना, इतना भर देना कि अगले बार फिर आके यहां बैठ। एक बेटी है जो भटिंडा में आई थी, एक भटिंडा वाली थी।